focus. Ideate. Innovate. Enable. नमस्कार. नोवा ईवी फर्टिलिटी और सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश ख्वाहिशें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. ख्वाहिश एक छोटा सा बहुत प्यारा सा लफ्ज़ है, लेकिन जब ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है तो बड़ा दर्द देती है, बड़ी तकलीफ देती है. और अपना बच्चा होने का सपना न सिर्फ एक दंपति देखता है, बल्कि एक पूरा परिवार मिलकर इस सपने को देखता है, संजोता है. और अगर किसी वजह से या किसी कठिनाई की वजह से इसमें देरी होती है तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, डिप्रेशन होता है, रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है. लेकिन आज एक बहुत अच्छी बात जो है वो ये है कि इनफर्टिलिटी एक ट्रीटेबल कंडीशन है. ज़रूरत है जागरूक होने की, अवेयरनेस की, और मौजूदगी की ऐसे सेंटर्स और डॉक्टर्स की जो कि आपको सही इलाज और सही जानकारी देते हैं. और आइए आज इनफर्टिलिटी से जुड़े कुछ ऐसे ही पहलुओं से हम वाकिफ होते हैं. मेरे साथ यहाँ मौजूद है एक बेहद एक्सपर्ट पैनल, द यंग एंड डायनामिक डॉक्टर्स. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर नमिता का. डॉक्टर नमिता इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं नोवा के साथ में. डॉक्टर करिश्मा डाफले, आपका बहुत बहुत स्वागत. आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं नोवा के साथ. और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं गीतांजलि बैनर्जी, जो कि हाफ डॉक्टर हैं. इनफर्टिलिटी दोस्त डॉट कॉम नाम की वेबसाइट का आपने निर्माण किया है और आपकी संस्था है. और इस स्ट्रगल के पीछे आपकी अपनी भी कहानी रही है, और आपको सफलता मिलने के बाद आपने दूसरे लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को हल करने की पहल की है. तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर. तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं. सबसे पहले डॉक्टर नमिता, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि इनफर्टिलिटी के केसेस में पिछले कुछ सालों में क्यों बढ़त देखी जा रही है? इनफर्टिलिटी केसेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हैव इंक्रीज्ड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आजकल. मतलब पहले हम सुनते थे कि किसी न किसी को इनफर्टिलिटी था, लेकिन आजकल सिचुएशन ऐसी है कि यू नो ईदर योर नेबर्स और वेरी वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड्स और प्रोबेबली यू योर सेल्फ कुड हैव इट. सो इट इज़ डेफिनेटली मोर प्रिवेलेंट एंड हेंस देर इज़ अ नीड फॉर मोर पब्लिक अवेयरनेस अबाउट इट सो दैट इट कैन बी टैकल्ड एट द राइट टाइम. जब हम बात करते हैं रीजंस की कि एकदम से जो ये बढ़त है, ये इजाफा है, ये क्यों आ रहा है, आजकल कहा जा रहा है कि बहुत लाइफस्टाइल रीजंस हैं इसके, तो उनके बारे में डॉक्टर करिश्मा मैं आपसे जानना चाहूँगी. या मिसेस मुक्ता, एक्चुअली इनफर्टिलिटी लाइफस्टाइल फैक्टर्स के वजह से हो रही है, एंड आई कैन नेम अ फ्यू लाइफस्टाइल फैक्टर्स आल्सो. उसमें नंबर वन रहेगा एज. अभी बहुत सारी फीमेल्स दे आर पुटिंग देयर करियर फर्स्ट बिफोर प्लानिंग फॉर अ बेबी. सो बिकॉज ऑफ दिस एज फैक्टर इनफर्टिलिटी इज ऑन द राइज. सो वी हैव टू बैलेंस बोथ आर करियर एंड फर्टिलिटी इश्यूज. दैट इज नंबर वन. Number two, stress. Stress is taking lot of toll on your health. Then your sedentary lifestyle. Abhi there is lack of physical exercise. So because of that, aapko exercise ki wajah se, na exercise karne ki wajah se, obesity ka jo epidemic hai, it is on the rise. Both in males and females. So apna wajan dhyan mein rakhna dono ke liye hai. Couple, as a couple, it should be a goal to reduce your weight. That is very important. क्योंकि ओबेसिटी के साइड इफेक्ट्स आर देयर ऑन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो यू हैव टू हैव अ चेक ऑन योर वेट. देन देर आर हैबिट्स लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड कैफीन कंजम्पशन. सो देर हैव बीन स्टडीज कि जिसमें इफ़ यू आर हैविंग मोर देन टू कप्स ऑफ कॉफी अ डे, दैट इज मोर देन इनफ. इफ यू आर हैविंग मोर देन दैट, प्लीज हैव अ वॉच ऑन दैट. आपने बात करी लाइफस्टाइल रीजंस के बारे में, और लाइफस्टाइल हैबिट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आज जिम्मेदार है. लेकिन अगर हम प्योरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डॉक्टर करिश्मा, सॉरी डॉक्टर नमिता, प्योरली मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल कौन से ऐसे मुख्य वजहें हैं जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी किसी भी एज में हो रही है, और वो यंग एज में भी हो रही है? यस, सो ये मेडिकल कंडीशंस जो है ये मेल्स में भी हो सकते हैं, फीमेल्स में भी हो सकते हैं. लेट्स टेक इट ग्रुप वाइज. महिलाओं में ज़्यादातर एज रिलेटेड काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, जैसे कि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस. हमारी ओवरीज का जो फंक्शनिंग है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल से होता नहीं है, और फॉलिकल ग्रोथ जिसके वजह से होना चाहिए दैट डज नॉट हैपन. सो एज रिलेटेड ओवेरियन फंक्शन के पे काफ़ी डिस्ट्रेस आता है.
प्लस एज रिलेटेड जैसे जैसे महिलाओं का उम्र बढ़ता है फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं पॉलिप्स हो सकते हैं एंड थायराइड्स में भी अ प्रॉब्लम. सो थायराइड अगर माल फंक्शनिंग हो मतलब इधर हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म. सो दोनों तरीके के कंडीशन से योर ओवरऑल सिस्टमिक फंक्शन जो है बिकॉज इतना इट्स अ सच अ डेलिकेट प्रोसेस एंड इट्स एट अ मल्टीपल लेवल्स. सो जिस तरीके से अंडा बनेगा द स्पर्म्स आएंगे अंडा और शुक्राणु स्पर्म्स कंबाइन होकर एम्ब्रियो फॉर्म करेगा एंड दैट एम्ब्रियो आफ्टर ऑल यूट्रस एक्सेप्ट करेगा. सो इस प्रोसीजर में इस पूरे प्रोसेस में जो बॉडी का जो सपोर्ट चाहिए एंड हेंस द मेडिकल कंडीशंस काफ़ी मायने रखता है. गीतांजलि मैं आपसे जानना चाहूँगी पहले तो ये भी जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र यहाँ तक का क्या था और दूसरा ये कि जब आप अब मिल रही हैं ऐसे लोगों से जो कि इनफर्टिलिटी की समस्या को लेकर आ रहे हैं आप किस तरीके के ट्रेंड्स देख रही हैं. पहली बात तो मैं ये आपने जो पहला सवाल बोला था कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है उस ट्रेंड के बारे में मैं एक रिफ्लेक्शन देना चाहूँगी कि एज पर स्टैटिस्टिक्स 33 मिलियन कपल्स इन इंडिया आर गोइंग थ्रू सम और द अदर फर्टिलिटी इशू. ज़रूरी नहीं कि हर 33 कपल इनफर्टिलिटी की तरफ जा रहा है या आईवीएफ की तरफ जा रहा है पर 1 in every 4 कपल को कुछ ना कुछ फर्टिलिटी इश्यूज होते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे डॉक्टर बोल रहे थे कि इतने सारे मेडिकल इश्यूज होते हैं लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब लड़कियां यंग है कॉर्पोरेट वुमेन है जॉब में है ऑब्वियसली लाइफस्टाइल इश्यूज हैं स्ट्रेस है अब उसका कुछ कर नहीं सकते. ये जो इश्यूज होती हैं जैसे पीसीओडी है और मेरे ख्याल से मेरे डॉक्टर कलीग्स भी इस पर अग्री करेंगे कि जो पीसीओडी है थायराइड है एंड्रोमेट्रियोसिस है ये कहीं ना कहीं उस एज में अराउंड 20s 25 स्टार्ट हो जाती हैं लेकिन लड़कियां वो बढ़ के क्योंकि उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेती हैं झिझकती हैं शर्माती हैं पूछती नहीं है या इग्नोर करती हैं कि चलो ठीक है 2-3 महीने पीरियड नहीं होता अच्छी बात है झंझट खत्म हुआ. बट वॉट दे डोंट रियलाइज इज कि आगे चल के यही प्रॉब्लम्स एस्केलेट हो रही है हर महीने दर महीने. कोई ना कोई कारण है कि आपका पीरियड्स नहीं हो रहे हैं या हैवी हो रहे हैं या फिर यू नो आपका मोटापा इवन फॉर ओबेसिटी आल्सो थायराइड इज अ रीज़न हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ रीज़न. तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है एंड अवेयरनेस जैसे आपका प्लेटफॉर्म दे रहा है बहुत ज़रूरी है कि उस लेवल पे भी अवेयरनेस हो कि लड़कियाँ आगे बढ़ के क्वेश्चंस तभी से पूछना शुरू करें अपना केयर तभी से लेना शुरू करें. नोवा ईवी फर्टिलिटी और सीएनबीसी आवाज़ की इस खास पेशकश ख्वाहिशें में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है. हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी के कारणों की और इनफर्टिलिटी क्यों बढ़ रही है कहां कहां बढ़ रही है और उसके बाद हमने सोचा कि अब हम थोड़ा काउंसलिंग की तरफ रुख करें कि जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या क्या हो रहा है. मेरा पहला सवाल इस सिलसिले में गीतांजलि आपसे होगा कि आईवीएफ काउंसलिंग में क्या होता है और आपकी संस्था जो है और आपकी जो वेबसाइट है वो तो बहुत ज़्यादा इस काम को आगे बढ़ा रही है तो आपका फोकस क्या होता है. देखिए मुग्धा मैंने जो एक्सपीरियंस किया है और हम काफ़ी लेडीज़ के साथ काम करते हैं जो कंसीव करने की कोशिश कर रही है इनफर्टिलिटी के जर्नी में गुजर रही हैं काफ़ी आईवीएफ करा चुकी हैं तो एक चीज़ हमने कॉमन हर जगह देखी है कि चाहे वो अर्बन हो रूरल हो चाहे कहीं से भी हो इवन अमेरिका से भी हो एनआरआईज सेटल्ड देयर हर औरत अपने को इस जर्नी में अकेला महसूस करती है. हर औरत यही सोचती है कि मैं क्यों जबकि मैंने अभी आपको नंबर्स बताए कि 1 में से 4 कपल्स इसके थ्रू गुजरते हैं पर हर औरत को ये नहीं पता होता कि और भी औरतें हैं. तो सबसे पहली कोशिश हमारी एज अ सोसाइटी और हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी जो करते हैं इनफर्टिलिटी दोस्त पे यही करते हैं कि कम्युनिटी को साथ में लाते हैं. जो लेडीज़ ने आईवीएफ के थ्रू कंसीव कर लिया है हम उनको कनेक्ट कराते हैं उन लेडीज़ के साथ जो आईवीएफ के बारे में सोच रही हैं जिन्हें बताया गया है क्योंकि आईवीएफ एक इन्वेजिव प्रोसेस है जिसमें काफ़ी इंजेक्शन्स लगते हैं 1 महीने का प्रोसेस होता है थोड़ा पेनफुल भी होता है तो लेडीज़ या कपल्स डरते हैं काफ़ी डरते हैं. मतलब मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जिनको डॉक्टर ने क्लियर कट बता दिया गया है और हम मेडिकली पता है कि उनका आईवीएफ के थ्रू ही अगर कोई चांस हो सकता है तो होगा लाइक 90%. बाकी तो मिराकल है ही भगवान है लेकिन 90% आईवीएफ के थ्रू ही होगा फिर भी वो एक एक साल उसी डिसीजन पे बैठे रहते लेकिन आपके सक्सेस चांसेस आईवीएफ के थ्रू भी तभी बेटर होते हैं जब आपकी एज कम होती राइट डॉक्टर. तो ये बातें वो
बिल्कुल ही इस कन्फ्यूजन, क्योंकि उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि एक सपोर्ट सिस्टम नहीं है उनके, उन पर इतना प्रेशर रहता है, अपने अंदर का गिल्ट भी रहता है. काफ़ी बड़े बड़े पोजीशंस पे जॉब करने वाली लेडीज़ जॉब छोड़ देती है, और मैं जब पूछती हूँ कि क्यों भाई, तो एक ही जवाब मुझे अक्रॉस द कंट्री एंड जगह मिलता है कि पहले बच्चा हो जाए फिर मैं बाकी सब देखूँगी. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना प्रेशर में वो लोग हैं. सो इसीलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. एक सोशल काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग तो डॉक्टर्स भी करते हैं, लेकिन उससे ही जुड़ा मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर नमिता, कि क्या कभी कभी आप गायनेकोलॉजिस्ट से साइकोलॉजिस्ट भी बन जाती हैं काउंसलिंग करते करते? काफ़ी बार, आई मीन यू नो, टू कन्विंस द पेशेंट टू ट्रीट हर थ्रू हर माइंड एंड टू मेक हर अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें क्यों होती है, वॉट इज़ द रीज़न. सब कुछ नॉर्मल होके भी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, तो माइक्रोस्कोपिक काफ़ी सारी चीज़ें होती है. मतलब पेशेंट्स बोलते हैं कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं काफ़ी सालों से ट्राई कर रही हूँ, हर एक डॉक्टर बोलता है मेरे टेस्ट नॉर्मल है, देन वाई एम आई नॉट कंसीविंग. दे स्टार्ट डाउटिंग द ट्रीटमेंट, दे स्टार्ट डाउटिंग द डॉक्टर. तो काफ़ी बार काउंसलिंग करना पड़ता है. एंड एट दिस पॉइंट मुझे ये कहना बहुत ज़रूरी लगता है कि काउंसलिंग शुड बी ऑफ हस्बैंड वाइफ, और मैं तो काफ़ी बार इन लॉज को भी इनवाइट करती हूँ कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आओ, सो दैट उनको भी पता चले कि दिस इज़ ऑल अबाउट साइंस. अननेसेसरीली सिर्फ डॉटर इन लॉ या अपनी बहू को ब्लेम मत करना, और फैमिली सपोर्ट मिलना सबसे ज़रूरी चीज़ है, यू नो, इन कंसिस्टेंटली टेकिंग ट्रीटमेंट, इन मेकिंग द वाइफ द हस्बैंड फील गुड. तो सोशल सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है. तो ये सब समझाने में वी डेफिनेटली हैव टू बिकम काउंसलर्स. डॉक्टर करिश्मा, माइंडसेट में आप बदलाव देख रही हैं कि अभी भी आपको कहीं ना कहीं लगता है कि एक औरत अपने आप को ही इसके लिए ब्लेम करती है, और बदलाव जो है वो उस तरीके से आना चाहिए कि जैसे कि कई बार हम लोगों को कहा गया है कि इनफर्टिलिटी इज़ नॉट अ लिमिटेशन, मतलब ये आपके व्यक्तित्व की कमज़ोरी नहीं है, शरीर की कमज़ोरी है, और उसको वैसे ही देख कर ट्रीट करना चाहिए. तो पर लेकिन क्या आप उस तरीके के माइंडसेट में बदलाव देख रही हैं कि पुरुष और उनके परिवार वाले सब आते हैं या बातचीत करते हैं, या अभी भी उस फील्ड में हम लोगों को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? इनफैक्ट अभी माइंडसेट हैज चेंज. अभी द पेशेंट्स आर कमिंग एंड इन एज कपल्स, इनफैक्ट दे आर गेटिंग इन देयर इन लॉज ऑल्सो, एंड दैट्स अ गुड थिंग. एंड द हस्बैंड्स आर ऑल्सो शेयरिंग द स्ट्रेस विच द वाइफ इज अंडरगोइंग, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग. सो व्हेनेवर ऐसे कपल्स आते हैं, हम दोनों को सब ट्रांसपेरेंटली क्लियरली बोलते हैं, वी टेल देम अबाउट देयर कंडीशन, वी टेल देम दैट इट इज ट्रीटेबल, वी गिव देम होप. And we do also have a psychologist who जो हमारे पूरे clinical counseling के बाद उनसे counseling भी करवाते हैं. So majority of the stress of treatment is reduced if they are going through a proper doctor and a counselor. So basically infertility is stress related. So वो हम थोड़ा कम कर दे तो definitely we are giving them good hope and good results. So basically if they have a good counseling session, most of their problems are solved. Dr. Namita, treatments किस तरीके के होते हैं, और क्या हर किसी को एक ही तरीके के treatment की ज़रूरत होती है, और success rate के बारे में आप क्या कहेंगे? Okay, so treatment के बारे में definitely it has to be individualized treatment. तो हर एक को, किसी भी दाम्पत्यों को उनके केस के बेसिस पे हम treatment का सुझाव देते हैं. तो how do we decide? इसका डिसीजन लिया जाता है काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर. वन इज़ उनका उम्र कितनी है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलिटी, व्हाट इज़ द मेडिकल कंडीशन क्या है. सो ये सब एक डिटेल हिस्ट्री टेकिंग लिया जाता है. उसके बाद फिर हम एग्जामिनेशन करते हैं दोनों का. सो ऑल्सो इन द हिस्ट्री, मतलब कुछ ड्रग्स लिए हैं क्या इसके पहले, कुछ ट्यूबरकुलोसिस, एंडोमेट्रियोसिस, कोई ऑपरेशन वगैरह इसके पहले कभी हुए हैं क्या. तो ये सब के बेसिस पे वी कम डाउन टू अ क्लिनिकल डायग्नोसिस. एंड कुछ मेडिकल टेस्ट हम करते हैं, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी होता है महिलाओं का, पुरुषों का फिजिकल एग्जामिनेशन, एक सीमन एनालिसिस होता है. एंड हमारा क्लिनिकल डायग्नोसिस थोड़ा बहुत क्लियर हो जाने के बाद, देन वी सजेस्ट देम द टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. तो ख्वाहिशें में अब वक्त हो चला है बात करने का हमारी ऑडियंस से. हम सवाल जवाब उनके लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमने अभी काफ़ी अरसा बिता दिया एक्सपर्ट से बात करने में, जो उन्होंने मेरे साथ बातें की. लेकिन अब समय है
ऑडियंस से बात करने की और उनके सवाल लेने की. तो मैं अब इनवाइट करूंगी ऑडियंस के क्वेश्चंस. आप लोग अगर सवाल पूछना चाहें तो मुझे बताएं. जी, इसको हमने अवेयरनेस के तौर पे देखा है तो अर्बन एरियाज में जैसे आपने बताया कि गूगल और अदर सोर्सेज पे हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, पर रूरल्स के लिए क्या है, हाउ दे कैन कम आउट कम अप एंड रूरल अवेयरनेस के ऊपर में कैसा रहेगा? आपने बहुत सही बोला कि रूरल में सिर्फ अवेयरनेस की प्रॉब्लम नहीं है. मोबाइल और इंटरनेट आजकल हर जगह पहुंच गया है, राइट? लेकिन प्रॉब्लम है सोशल टैबूज की, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, इसीलिए प्रॉब्लम है. तो रूरल में अभी थोड़ा जागरूकता कम है, पर अभी काफ़ी काम चल रहा है जहाँ पे टेली मेडिसिन के थ्रू वहाँ के पैरामेडिक्स को ट्रेन करा जा रहा है, जहाँ पे जो वहाँ के जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो लोकल कम्युनिटी लेवल पे हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन करा जा रहा है कि वो वहाँ की लेडीज़ के साथ जुड़े, उनके सवाल ले, और फिर यहाँ के अर्बन सिटीज़ की जो डॉक्टर्स हैं उनके थ्रू उन्हें हेल्प करें. और जब कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, अगर नॉर्मली कंसीव हो जाए या थोड़े बहुत मेडिसिन से कंसीव हो जाए तब तो ठीक है, पर अगर उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े तो वही हेल्थ वर्कर्स उन्हें गाइड करेंगे कि सबसे पास वाले शहर में कौन सा ट्रीटमेंट सेंटर या डॉक्टर्स अच्छे हैं. हालांकि इस पे हम भी काम कर रहे हैं अभी, पर थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑल्सो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा एक मुद्दा नहीं है गवर्नमेंट के लिए, पॉपुलेशन है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक कमी है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो गवर्नमेंट भी इसके ऊपर नज़र रखेगी, क्योंकि बच्चे बहुत होना एक बात है और किसी कपल को एक भी बच्चा ना होना वो भी बहुत बड़े दुख की बात है. अगर हम IFT ट्रीटमेंट लेते हैं फर्स्ट टाइम, सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, लेकिन नीड सेकंड चाइल्ड, दूसरा भी बच्चा चाहिए, तो हमें दोबारा से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा या फिर वही ट्रीटमेंट जो हमने प्रीवियस लिया था उसी के थ्रू कंसीव हो सकता है? डॉक्टर अमिता, इसमें एक मैं और ऐड करना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पहला बच्चा जो है वो नॉर्मली कंसीव हो गया लेकिन दूसरे बच्चे में कंसीव करने में समय लग रहा है. तो क्या आप दोनों क्वेश्चंस को एक साथ लेंगे? यस. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी क्या है, व्हाट वाज द रीजन फॉर डूइंग एन IVF. सपोज इफ फर्स्ट IVF का कारण बायलैटरल ट्यूबल ब्लॉक या फिर स्पर्म काउंट मोर्टिलिटी बहुत कम था, जिसकी वजह से एडवांस्ड ICSI टेक्निक लगा, तो देन देर इज अ नीड कि हाँ, सेकेंड बेबी के लिए भी वी विल हैव टू गो अहेड विथ एन IVF. लेकिन अगर फर्स्ट रीजन फॉर IVF था वॉज प्रॉबेबली यू नो सम स्मॉल सम सिस्ट्स या यू नो फेल्ड IUI ट्रीटमेंट्स, तो एंड दैट वॉज द रीजन फॉर हर फर्स्ट IVF, तो सेकेंड बेबी के लिए डेफिनेटली यू नो इफ यू गो इन द राइट गाइडेड अप्रोच और ठीक तरीके से ट्रीटमेंट ले विथ सिंपलर टेक्निक्स ऑल्सो यू कैन हैव योर बेबी. तो कंपल्सरी बिल्कुल नहीं है कि रिपीट IVF ही करना पड़े. सेकेंड चीज़ ये है कि फर्स्ट IVF के दौरान अगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज मिले थे और वो एम्ब्रियो फ्रीजिंग, एम्ब्रियो क्रायोप्रिजर्वेशन आपने किया हो, यू हैव द ऑप्शन कि सेकेंड बेबी के लिए वही फ्रोजन क्रायोप्रिजर्व्ड एम्ब्रियोज यू कैन थॉ एंड यूज इट थ्रू अ रिपीट IVF टाइप ऑफ ट्रीटमेंट. मैं सिस्टर इन लॉ के लिए ये ट्रीटमेंट है लेना चाहते हैं हम. वो 40 प्लस है या उनका वेट भी बहुत गेन है, ज़्यादा है. सो उनकी उम्र 40 है. 40, यस. तो आई एम श्योर वो वेट लॉस के प्रयत्न कर रहे हैं फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स. तो वी हैव टू टेक अ गाइडेड डिसीजन, मतलब वी कैनॉट से, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप रुको वेट लॉस करके फिर बाद में आओ. दैट वुड बी द रॉन्ग एडवाइस. सो साइमल्टेनियसली आपके जो लाइफस्टाइल चेंजेस है जैसे डाइट, एक्सरसाइज, यू नो बीइंग फिजिकली एक्टिव, वो तो जारी रखना ही है, लेकिन जल्द से जल्द आपने अपना क्लिनिकल असेसमेंट करना चाहिए कि ओवेरियन रिजर्व कितना बाकी है हमारे पास, स्पर्म एनालिसिस कैसे है एंड किस तरीके से वी कैन गिव यू द ट्रीटमेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि IVF ही करना पड़ेगा एंड वी कैन डेफिनेटली फाइंड एक अच्छा सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं. मेरा क्वेश्चन है कि क्या टॉर्च पॉजिटिव इनफर्टिलिटी का रीजन है? ये टॉर्च टेस्ट इनिशियली हम लोग करते थे बट नाउ इट इज टोटली ऑब्सोलीट टेस्ट. वी डोंट कंसिडर द रिजल्ट्स ऑफ इट. टॉर्च अगर पॉजिटिव एंड IgG पॉजिटिव है तो इट्स एन ओल्ड इन्फेक्शन. वी डोंट ट्रीट इट एंड इट इज नॉट द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. दिस इज अ मिथ एंड इट हैज टू बी क्लियर फ्रॉम पीपल्स माइंड. अगर मल्टीपल IUI के बाद भी वी गो फॉर IVF तो मैक्सिमम हाउ मेनी सेटिंग्स अ पेशेंट कैन टेक एंड सक्सेस रेट कितना है? अगर वन सेटिंग हो गया, टू सेटिंग हो गया एंड स्टिल दे डोंट गेट सक्सेस,
तो मैक्सिमम डॉक्टर सजेस्ट हाउ मेनी सिटिंग्स? फर्स्ट आईवीएफ साइकिल इज लाइक अ टेस्ट साइकिल. यू कम टू नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ ओसाइट्स, व्हाट क्वालिटी ऑफ एम्ब्रियोज यू आर फॉर्मिंग. सो इट्स लाइक अ टेस्ट साइकिल. इट विल टेल अस की इज इफ यू आर गोइंग टू डू फॉर अ नेक्स्ट साइकिल तो हाउ, व्हाट इज द सक्सेस रेट. तो जैसे ही पहले साइकिल बन के अगर एम्ब्रियोज अच्छे नहीं बन रहे, एक क्वालिटी इश्यूज है, स्पर्म क्वालिटी इश्यूज है, फर्टिलाइजेशन बराबर नहीं होता है, तो हमें थोड़ी बहुत अंदाजा आ जाता है कि हाउ मच सक्सेस यू विल गेट इफ यू गो इन फॉर अ रिपीट साइकिल. एंड उसके इससे रिजल्ट से हम आपको काउंसिल करते कि when you should go for next IVF or should you go for your cycle. मैं उम्मीद करती हूँ कि जो आज तमाम सवाल इनफर्टिलिटी से जुड़े हुए लोगों के जहन में थे, आप लोगों के ख्यालात में थे, वो आज जो है आंसर हुए हैं. और न सिर्फ हमें यहाँ जवाब मिले हैं बल्कि हमारे पैनलिस्ट्स के ज़रिए हमें उम्मीद मिली है, हिम्मत मिला है, हौसला मिला है और सलाह भी मिली है कि अपनी फर्टिलिटी को लेकर आप किस तरह से जागरूक हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी के क्या ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं और उनका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनल का हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिशों के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए. Focus. Ideate. Innovate. Enable.